लच्छेदार पराठे बनाने के लिए हम 2 कप मैदा देंगे, 1 कप और ये 2 कप, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के इसके अंदर ऐड करेंगे, ये 2। हाथ से पहले ये जो मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसी तरह जैसे आटा गूंथते हैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। इसको इसी तरह ये देखें जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं प्यारी से इसकी डो बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा साथ साथ पानी डालते रहेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। ये मज़ेदार सा पेड़ा बन गया है, बहुत अच्छी सी इसकी लुक आ गई है। जिस तरह हमने आटा गूंथते हैं मैंने आपको साथ साथ बताया, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे वरना ये आपका अच्छे से गूंधेगा नहीं। जिस तरह डो बन जाती है एक चीज़ की, ये उस तरह बन गया है। और अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं, स्टे के लिए रख देंगे ताकि अच्छी सी अपनी जगह पकड़ लें। ये आटा मैंने आधे घंटे रेस्ट पर रखा था, अब आधा घंटा हो गया, अब हम इसके पेड़े बनाते हैं और रोटी बेलते हैं। अब इस एक पेड़े के हमने 2 हिस्से कर लिए हैं। अब ये देखें, एक पेड़ा मैंने इस तरह लिया है, अब हम इसकी रोटी बेलते हैं। अब हमने इसको रोटी बेल ली है। अब हम इसके अंदर एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच घी के लिए हैं, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है। ये इस तरह अमेजा सा बन गया है। अब ये इसके ऊपर लगाएंगे, इस तरीके से ही मैंने घी इसके ऊपर लगा लिया है। अब हम नाइफ की मदद से इसको कटिंग करते हैं। इस तरीके से हम बारीक बारीक लाइंस कट करेंगे। बारीक बारीक लाइन कट करने की वजह से हमारा बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार हमारा पराठा बनेगा। नाइफ़ की मदद से इस तरह मैंने बारीक अपनी रोटी बेल के उसके ऊपर मैंने घी लगाया है और नाइफ़ की मदद से मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करते हैं। तो फोल्ड करना भी तो दिखा। अब हम इस तरह इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये थोड़ा सा मेरा नीचे से चिपक गया है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इस तरह हमने इसे इस तरीके से देखे, मेरा पेड़ा तैयार हो गया है। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए स्टे करते हैं जब तक हम दूसरा पेड़ा अपना रेडी करते हैं। इस मेरे पेड़े को 5 से 10 मिनट तक हो गए हैं बने हुए, अब हम इसे बेलते हैं। ये मैंने पराठा बेल लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई पैन मैंने रखा है, फ्राई पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाला है। घी में पराठा बहुत ही अच्छा फ्राई होता है, तो ये थोड़ा सा गर्म, मुझे इतना ज़्यादा मैंने घी नहीं डाला, थोड़ा सा ही डाला है और ये अच्छे से गर्म हो जाए और घी, फिर मैं पराठा अपना फ्राई करती हूँ। ये मेरा बहुत ही प्यारा पराठा मुझे फ्राई पैन बेहद पसंद है। फ्राई पैन ही है तो इसके अंदर आप अपना पराठा भी फ्राई कर सकते हैं। आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा इसे घुमाती रहें ताकि नीचे से बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। बस मैं अभी इसे पलटती हूँ। देख, मैंने पलट दिया है, बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है और ये देखिए इसके लच्छे भी नज़र आ रहे हैं। मज़ेदार से लच्छेदार पराठा रेडी हो गया। अब इसके आपको मैं लच्छे दिखाती हूँ। इसके यहाँ से देखें, ये लच्छे देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ये आ रहे हैं। देखें, खोल खोल के पेटल्स, आप खोल खोल के देखें, बहुत ही मज़ेदार से लच्छे आए हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा आपको मेरा ये लच्छेदार पराठा कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।